सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। ये कहना था एक ऐसे क्रांतिकारी का जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और मात्र 24 साल की उम्र में ही देश के लिए शहादत दी। ये महान क्रांतिकारी और सच्चे देशभक्त कोई और नहीं सुखदेव थापर थे। नमस्कार, आज की तारीख है 15 मई। सुखदेव का जन्म आज ही के दिन 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ। इनके पिता का नाम श्री रामलाल थापर और माता का नाम रली देवी था। छोटी उम्र में ही सुखदेव के पिता का देहांत हो गया। वे अपने ताऊ जी के पास पले बढ़े। सुखदेव के मन में बचपन से ही ब्रिटिश हुकूमत की जातियों के खिलाफ क्रांतिकारी विचार उठने लगे, जिसके कारण पढ़ाई में उनका ध्यान कम ही लगता और उनके दिमाग में बस एक ही विचार चलता रहता कि देश को अंग्रेजी दासता से कैसे मुक्त कराया जाए। साल 1909 में जब जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाकर अंग्रेजों ने भीषण नरसंहार किया, तब सुखदेव महज 12 साल के थे। उस वक्त लाहौर के सभी प्रमुख इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया गया। स्कूल कॉलेज में छात्रों को अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को सलाम करने को कहा जाता। सुखदेव के स्कूल में कई अंग्रेज अधिकारी तैनात रहते लेकिन सुखदेव ने पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करने से मना कर दिया, जिसके बदले में उन्हें अंग्रेज अधिकारियों से मार भी खानी पड़ी। भारत में जब साइमन कमीशन लाया गया तो उसका भी सुखदेव ने जमकर विरोध किया। लायलपुर के सनातन धर्म हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद सुखदेव ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया। इस दौरान उनकी मुलाकात भगत सिंह और राजगुरु से हुई, जिनके मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी विचार सुलग रहे। वे सभी अच्छे मित्र बन गए। सुखदेव का मानना था कि भारत से तानाशाही ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त करने में नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में नौजवान भारत नाम से एक संगठन शुरू किया, जिसने देश के युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए कई सभाएं कर उन्हें प्रेरित किया। उनके टीम में राजगुरु, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगवती चरण कौरा जैसे कई क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर बढ़ चढ़ कर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। सभी क्रांतिकारियों को संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने 9 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला के मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बैठक की स्थापना की, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखे जाने का सुझाव दिया और वह इस संगठन के पंजाब प्रांत के नेता के रूप में चुने गए। सुखदेव महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय से बहुत प्रभावित थे। पंजाब में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय के निधन से उनका मन बहुत आहत हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने मित्रों भगत सिंह, राजगुरु के साथ मिलकर इसका बदला लेने की ठानी। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने योजना बनाकर साल 1928 में अंग्रेजी हुकूमत के एक पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने जहां ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, वहीं भारत में इन क्रांतिकारियों के जज्बे की बहुत सराहना हुई। सेंट्रल असेंबली दिल्ली में अंग्रेजों के लाए जा रहे दमनकारी कानून, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पेश होने के विरोध की योजना भी सुखदेव ने ही बनाई। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया, जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अंग्रेजों के कुशासन के खिलाफ आजादी का भूगोल बजाना था। यह बम असेंबली की खाली जगह पर फेंका गया जिससे कोई हाथाहाथ ना हो। इस घटना को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने अंजाम दिया, जिसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। बाद में बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहित सैंडर्स हत्याकांड का दोषी ठहरा कर फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को सुखदेव थापर, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु को लाहौर के जेल में फांसी दी गई। भारत की आजादी के लिए इन तीनों महान क्रांतिकारियों ने भारत की जयकार करते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले लगाया। उस समय सुखदेव की उम्र मात्र 24 साल की थी। फांसी पर जाते हुए ये तीनों वीरों गर्व से देश के लिए गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 15 मई की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1923 में भारत के हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का जन्म हुआ। वहीं साल 1948 में अरब देशों ने इसराइल पर हमला किया। साल 2011 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का निधन हुआ। साथ ही साल 2018 में आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में नाव डूबने से 40 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।